सो हे गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बढ़िया होंगे एंड घर पे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं न्यू वेपन और गन की टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। और हाँ, अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब करो एंड ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो, ताकि हमारे नई से नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले। अपडेट के बाद मेरा लक बहुत ही अच्छा रहा है। लक रॉयल में आई हुई न्यू ग्रोजा गन की स्किन मुझे सिर्फ 3 ही स्पिन में मिल गई। सो अभी हम आपको ओक गन की हाइलाइट्स दिखाएंगे और बाद में टिप्स एंड ट्रिक्स देंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। सो एक छोटा सा लाइक कर देना एंड कमेंट कर देना। अच्छे से सुनने के लिए हेडफोन का यूज़ करिए। मिलते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। सो गाइस, अब बात करते हैं ओक गन की टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। सो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। सो एक लाइक कर देना। यहाँ पे ओक गन की 3 टिप्स एंड ट्रिक्स है। फर्स्ट है ड्रैग हेडशॉट, दूसरी है रिकॉइल कंट्रोल कैसे करें, और तीसरी है यूज़ इन अ शॉर्ट एंड मिड रेंज। सो गाइस, यहाँ पे ध्यान से आप लोग देखिए कि कितने अच्छी तरीके से ड्रैग हेडशॉट लग रहे हैं। सो ड्रैग हेडशॉट के लिए बहुत ही ओपी गन है ओक गन। सो कमेंट में बताएं कि आपका ओक गन से कैसा ड्रैग हेडशॉट लगता है। सो दूसरा यहाँ है रिकॉइल कंट्रोल। फ्री फायर जो भी नया वेपन डालता है उसमें रिकॉइल बहुत ही ज़्यादा होता है, और ओक गन का भी कुछ ऐसा ही है। सो रिकॉइल कंट्रोल कैसे करें गाइस। तो यहाँ पे मैं आपको एक ही ऑडिशन देना चाहूँगा कि आप सीटअप हेडशॉट लगाएं, बैठ के फिर हेडशॉट लगाएं, जैसा कि हम करते थे वैसा ही करें, या फिर राइट से लेफ्ट तक अपने एम को घुमाएं। सो यहाँ पे तो ओगन का रिकॉइल कंट्रोल हो जाएगा आपसे, बट यूज़ इन अ शॉर्ट एंड मिड रेंज इसका मतलब क्या होता है आपको भी पता नहीं होगा। यूज़ इन शॉर्ट एंड मिड रेंज इसका मतलब ये है कि इस गन का आप शॉर्ट रेंज में और मिड रेंज में बहुत ही अच्छे तरीके से उपयोग कर सकते हो, क्योंकि इस गन का रेट ऑफ फायर बहुत ही ज़्यादा है और एकदम ओपी है। इस गन का रेट ऑफ फायर XMH से भी ज़्यादा है। सो आप इसको मिड रेंज में और शॉर्ट रेंज में उपयोग कर सकते हो। जब भी आप किसी जगह पे लैंडिंग करते हो, उतरते ही आपको ओक गन मिल गई। सो आपको ओक गन ले लेनी है और सामने वाले बंदे को ड्रैग मार देना है, क्योंकि ये शॉर्ट रेंज में बहुत ही अच्छा काम देती है। सामने वाले की तो चड्डी फट जाएगी। सो गाइस, अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो एंड ऑल नोटिफिकेशन ऑन करो अगर हाँ। और गाइस, आपको हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स बहुत ही अच्छी लगी सो एक लाइक कर देना एंड देन एक छोटा सा कमेंट कर देना, ताकि हम आपको अपना अच्छे से अच्छा जवाब दे पाए। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। यहाँ पे हमारा लोगो जो दिख रहा है वहाँ से जाके आप डायरेक्ट सब्सक्राइब कर सकते हो, और बाजू में जो वीडियो है वो देख सकते हो।